सिवान के हसनपुरा प्रखंड स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय करमासी में विद्यालय के हेडमास्टर लालबाबू यादव द्वारा एमडीएम के चावल की चोरी का मामला प्रकाश में आया है। घटना रविवार की है। घटना के संबंध में ग्रामीण मुकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि मैं सड़क पर टहल रहा था, तभी देखा कि विद्यालय के मेन गेट का ताला खुला हुआ है और विद्यालय के हेडमास्टर एवं उनके छोटे पुत्र तथा एक अन्य व्यक्ति द्वारा बाइक से चावल की चोरी की जा रही है। जब मैंने मेन गेट बंद कर शोर मचाना शुरू किया तो हेडमास्टर तथा अन्य लोगों के द्वारा धक्का मुक्की कर मुझे गिरा दिया गया। जब तक ग्रामीण रुकते तब तक एचएम स्कूल के मेन गेट में ताला बंद कर चावल की बोरी बाइक पर लाद कर चलते बने। वहीं विद्यालय प्रशासन की बार बार की कर गुजारी एवं स्थानीय प्रशासन के निरंकुश रवैये से आशीष ग्रामीणों द्वारा स्कूल प्रशासन तथा स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए स्कूल के एचएम समेत पूरे समिति को भंग करने की मांग करते हुए तालाबंदी कर दी गई। इस संबंध में एचएम लालबाबू यादव से मोबाइल पर संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि मुझे बदनाम करने की विरोधी की साजिश हो रही है, जांच में सब साफ हो जाएगा। हमारे मोबाइल पर फोन आया, हमने पूछा कि कौन बोल रहे हैं तो बोला कि लाल बाबू हेडमास्टर बोल रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ तो देखिए 5 बजे सवेरे मुकेश हमको धक्का मुक्की कर दिया, हमारे साथ बेतमीजी किया। हमने 5 बजे सवेरे कहाँ मुकेश भेंट हुआ स्कूल पर? हमने कहा कि स्कूल में 5 बजे सवेरे आप क्या करने गए थे? तो रजिस्टर लेने गए थे, ऑनलाइन कराना था। हम 5 बजे सवेरे ऑनलाइन इसी वासे में आप स्कूल पर क्या करने गए थे? हाँ तो मुकेश को समझाइए, हम कहीं मुकेश को नहीं जाँच कराया जाएगा। जब तक हम रोड पर चाय पीने सब लोग वहाँ घिरे हुए थे, हमको लेकर यहाँ स्कूल पर आए। यहाँ 5 बजे की घटना है, हम रोड पे टहल रहे थे, उसी दरमियान करमासी विद्यालय का स्कूल का ताला खुला हुआ था गेट का। उसके बाद अंदर जब हमको शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है तो हमने देखा तो हेडमास्टर द्वारा श्री लाल बाबू यादव द्वारा और उनके छोटे लड़के और एक अन्य के सहयोग से चावल की चोरी की जा रही थी। उसी दरमियान हमने रोका, गेट को बंद किया। उसके बाद मेरे साथ धक्का मुक्की की गई जिसमें मेरा शॉर्ट का बटाम वटाम टूट गया। उसके बाद में हम ग्रामीणों को बुलाने चले गए, तब तक वो चावल लेकर के चले गए। ठीक है, इसकी सूचना जो इस रिलेटेड पदाधिकारी हैं उनको आप लोग दिए हैं, यहाँ पे पुलिस प्रशासन को दिए हैं क्या? हाँ, पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई है, पुलिस प्रशासन आई है और आगे की कार्रवाई आश्वासन दी है कि कर रहे हैं। क्या पहले भी इस तरह का? हाँ, पहले मेरी भाभी भी सचिव थी जी, और हमने जांच कराया था जी जी, जिसमें अनियमितता हेडमास्टर द्वारा मिला है। यानी पहले भी चावल की पहले भी ये सिलसिला जारी रहता था, अभी भी है, कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग की यही मांग है ग्रामीणों द्वारा कि इस प्रधानाध्यापक को सस्पेंड किया जाए। देखिए, आज सुबह 5 बजे गांव के लड़के स्कूल से उत्क्रमित मध्य विद्यालय करमासी से दौड़ते हुए हमारे घर तक गए। जाकर उन्होंने मुझे बताया कि आप जल्दी स्कूल पे चलिए, यहाँ का प्रधानाध्यापक लाल बाबू यादव, उसका छोटा लड़का और एक अन्य के सहयोग से स्कूल में जो एमडीएम का चावल रखा हुआ है, जो गरीब बच्चे पढ़ने जो आते हैं स्कूल में उनको खिलाने के लिए, उसकी चोरी की जा रही है, साथ साथ सीनाजोरी के साथ। जब मुकेश 5 बजे सुबह इन लोगों को पकड़ा गेट से चावल ले जाते हुए, तो उसके साथ लोगों ने धक्का मुक्की की है, इन लोगों ने उसको जान से मारने तक की धमकी दी है। इस परिस्थिति में उस लड़के ने जितनी उसकी शक्ति है अकेले उन लोगों से उलझा और भरसक प्रयास किया कि चावल को बोरे को गेट के अंदर ही रोका जाए, लेकिन वो लोग भारी पड़े और चावल का बोरा चुरा कर लेके चले गए।